हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चिरंजीत पॉल और आपको स्वागत है मेरे और एक फ्रेश वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं वो है मेरीगोल्ड। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे अभी बारिश का मौसम चल रहा है, हर रोज बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और मेरा जो प्लांट है वो बहुत ग्रो हो रहा है। बहुत लोग मैंने देखा है कि बोलते हैं कि बारिश के टाइम जो मेरीगोल्ड है वो ग्रो नहीं होता, लेकिन आप देख पा रहे होंगे मेरा जो प्लांट है वो बहुत ग्रो हो रहा है और इस पर हर जो ब्रांच है आप देख पा रहे होंगे उस पर से कलियां खिल रही है। मैंने एक को छोड़ के बाकी सारे को काट दिया, आप देख पा रहे होंगे मैंने उसको काट दिया है। फ्रेंड्स, ये बहुत खूबसूरत प्लांट है और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो बारिश के टाइम जो होता है मेरीगोल्ड ग्रो होता है वो ये प्लांट है, और दूसरे जो सारे प्लांट है वो ग्रो नहीं होता, फ्लावर नहीं देते। बारिश के टाइम तो ग्रो हो जाता है लेकिन फ्लावर नहीं खिलते, लेकिन आज जो प्लांट है वो खिलने वाला है। आप देखते होंगे मार्केट में मेरीगोल्ड का जो फ्लावर होता है वो इस प्लांट से लिया जाता है। बारिश के टाइम जो प्लांट होता है, फ्लावर होता है, वो इससे लिया जाता है, और जो चेन होता है ना मेरीगोल्ड का वो इस प्लांट के फ्लावर से लिया जाता है। वो 24 जो होता है वो उसको वेदर जो है वो बहुत अच्छा लगता है, उसको धूप भी बहुत ज़्यादा चाहिए, पानी भी बहुत ज़्यादा चाहिए। एक दिन में तो एक खरीफ 1 लीटर तक भी पानी ले लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, और धूप बहुत ज़्यादा लेता है, और देख सकते हैं उसका ग्रो भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप देख रहे होंगे। और इसका जो है वो उसका सीड से एक ग्रो नहीं होता, इसका जो ग्रो होने वाला जो है उसका जो देख रहे होंगे न्यू जो ब्रांच आया है उसको अगर आप काट के मिट्टी पे लगा देंगे तो वो बहुत ज़्यादा ग्रो होता है, और उस इस तरह से उसको ग्रो किया जाता है, वो सीड से ग्रो नहीं होता। मैंने बहुत बार ट्राई किया उसकी सीड से ग्रो करने के लिए लेकिन वो ग्रो नहीं हुआ। मैंने करीब इसको 4-5 सालों से मेरे पास है और मैं हर टाइम जब ये मुरझाने लगता है मैं उसका एक स्टिक लेता हूँ और लगा देता हूँ मिट्टी पे और एक ग्रो हो जाता है। इस तरह से भी है, मैंने करीब 3 महीने पहले उसको एक मुरझाने वाली प्लांट से लिया हूँ और काट के यहाँ पे लगा दिया, सिर्फ कुछ नहीं दिया, कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया। लेकिन अभी मैं फर्टिलाइज़र यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि उस पर आप पत्तों को देख सकते हो छोटा छोटा होकर आ रहा है, कुछ स्पाइडर का अटैक हो रहा है उस पर, और मैं उसको यूज़ करने वाला हूँ और उसको जो कंपोस्ट है उसको भी दूंगा मैं साइड से क्लीन करके, अच्छी तरह से मिट्टी हटा के मैं वहाँ पर काउडंग का जो कंपोस्ट है वो यूज़ करने वाला हूँ, और दूसरा क्या और एक चीज़ है मेरे पास जो यूज़ करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ चलिए कि उसको कैसे ब्रांच से कट के नया प्लांट तैयार किया जाता है और बारिश के मौसम में ही हर टाइम उसको फ्लावर रख सकते हैं। ये जो प्लांट है देख रहे हैं ये करीब 1.5 फुट का होगा, तो मैंने अभी इससे फूल नहीं लेना है, उसको हर टाइम जब यहाँ से होगा छोटा सा 2 इंच का या 3 इंच का होगा तभी उसमें से फ्लावर का जो कोली होता है वो आने लगता है। आप उसको तोड़ना है, तोड़ के उसको बड़ा करना है, भूसी करना है, भूसी करके करीब जब 2 फुट हो जाए, करीब 2 फुट और 2.5 फीट हो जाए तब उस पर आपको जो है फूल आने के लिए देना है, और उस पर हर टाइम आपको जो है पानी देना है, हर रोज़ पानी देना है, 2 टाइम्स पानी देना, मॉर्निंग को भी और आफ्टरनून को भी। चलिए दोस्तों, मैं दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, अभी मेरे पास छोटा सीजन नहीं है, बड़ा ब्रांच कटा हुआ है, तो मैं उसे दिखाने वाला हूँ। ये जो देख रहे हैं आप देख पा रहे होंगे अच्छी तरह से क्लियर करके, ये जो ब्रांच है मैं उसको यहाँ से कट कर दूँगा, तो 2 इंच का होगा, मैंने उसको ठीक कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हो 2-3 देख सकते हैं, ये 8-4 यहाँ पे देख सकते होंगे 5 में 6 ब्रांच लूँगा अभी जो है। और फ्रेंड्स, मैं जो कर रहा हूँ कि इसका जो साइज है प्लांट का वो मैं हर ब्रांच की तरह एक साइज रखना चाहता हूँ ताकि अच्छी तरह से ग्रो हो, हर ब्रांच से अच्छी तरह से खिले, तो इसलिए मैं
कुर्सी वाले जो ब्रांच आए हैं वो उसको साथ दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं 5 और दूसरे साइड से एक लेता हूँ 6 फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं मैंने और एक कट कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं 6 है और मैं लास्ट में मिक्सी भर के रखा हूँ। फ्रेंड्स आपको ख्याल रखना है, जब कोई भी काट को आप प्लांट पे ग्रो करना चाहते हैं, मिट्टी जो है उस पर आप काउडन यूज़ ना कीजिए तभी अच्छा है। अगर आप उसमें बालू मिट्टी यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, अच्छी तरह से ग्रो होता है और कुछ दिनों के अंदर ही उसका रूट्स निकलने शुरू हो जाता है। तो देख सकते हैं मैंने उसको यूज़ किया है यहाँ पर 2 ग्लास से। आप चाहे तो मिट्टी भी लगा सकते हैं, अगर मिट्टी है, अगर पॉट है आपके पास तो पॉट पे भी लगा सकते हैं, वो हर जगह ग्रो होते हैं। लेकिन काउडंग पे उतना ज़्यादा रिजल्ट अच्छा नहीं होता, लेकिन मेरी गोल जो है वो इजी टू ग्रो है, वो करीब करीब हर तरह की मिट्टी पे ही ग्रो हो जाता है। वो देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पे 3 लगाऊँगा। फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ उसको पानी कैसे देना है। आप 2 तरह से पानी दे सकते हैं उसके अंदर, और उसके बाद पानी देने के बाद उसको हल्के से शेड एरिया में रख दें और उस तरह से आप वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। कुछ दिनों के करीब 7 दिन और 10 दिनों के बाद वो प्लांट में हो जाएगा, और जब उसको पॉट्स में भी और किसी में भी शिफ्ट कर सकेंगे। मैं उसको भी दिखाने वाला हूँ और उसको दिखाता हूँ पहले उसको पानी कैसे दिया जाता है। फ्रेंड्स जैसे मैंने पॉट से ऐसी मिट्टी यूज़ करने वाले जो करना है वो मैंने लिया है, आप उसको पानी दे सकते हैं। उसके बाद मैंने उसको नीचे होल्ड किया हुआ है, देख पा रहे होंगे वो उसको जितना पानी चाहिए वो 5-7 मिनट के अंदर वो उसको ऊपर तक खींच लें। और दूसरी तरह से आप पानी दे सकते हैं, क्योंकि शावर लेते हैं जो स्प्रे किया जाता है ना, उस तरह से भी आप पानी दे सकते हैं। और आप चाहिए तो उसको स्लोली किसी लेवल से या किसी चीज से पानी दे सकते हैं, स्लोली स्लोली, उसके ज़्यादा प्रेशर ना आए। दोनों तरह से दिखा रहा हूँ, मैंने ज़्यादा पानी नहीं दिया है ताकि वो नीचे से भी ले ले और ऊपर से भी कवर हो जाए। फ्रेंड्स ये जो देख रहे हैं अभी वो आप देख सकते हैं पूरी तरह से गीला हो चुका है, अंदर तक आपको शायद दिखाई दे रहा होगा उसको एकदम पूरी तरह से गीला हो गया। अभी उसको मैं यहाँ से हटा के शिविर में रख दूँगा। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं मैंने उसको शिविर में रख दिया, यहाँ पर सनलाइट तो नहीं आता, डायरेक्ट सनलाइट यहाँ पे नहीं मिलता, उसको शेड भी मिलता रहेगा और हल्का सा सनलाइट का जो यहाँ वो भी मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स अगर इस वीडियो को लाइक अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स आगे आने वाले और भी वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। और इस तरह का जो प्लांट है मैं वो 20 प्लांट्स मेरे फ्रेंड्स के अंदर जो मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स हैं उसको मैं देने वाला हूँ। तो आप मुझे कमेंट कीजिए किस किस को इस तरह का प्लांट चाहिए, बारिश में ग्रो करने वाले प्लांट्स और बारिश में खिलने वाले प्लांट्स। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को फ्रेंड्स। बाय, थैंक्स।